नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हैरी भारद्वाज ब्लॉगर चैनल पर। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक हिस्टोरिकल जर्नी पर, जिसकी शुरुआत मैंने आज सुबह कर दी है और करीब 5:30 पर मैंने ले लिया है ऑटो और अभी इससे मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो स्टेशन जाकर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ट्रेन मैं आज यूज़ कर रहा हूँ उस हिस्टोरिकल प्लेस पर जाने के लिए। ट्रेन की पूरी टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा, कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जो जर्नी की डिटेल्स हैं वो भी सब आपको इस वीडियो में मिल पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ न्यू दिल्ली से कुरुक्षेत्र। और ये दोस्तों पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। क्योंकि सुबह के टाइम भी काफ़ी भीड़ है तो मैंने ऑटो को बाहर ही छोड़ दिया है और अभी मैं प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा हूं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एक रास्ता बना दिया है, कॉमन वे है, जहां से आप दिल्ली मेट्रो भी ले सकते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर भी आ सकते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और दोस्तों ये है वो ट्रेन जिससे मैं आज करने वाला हूँ कुरुक्षेत्र तक की जर्नी। और ट्रेन है शाने पंजाब। दोस्तों जो ट्रेन का टाइम है नई दिल्ली से डिपार्चर का वो है 6:40 और ऑन टाइम पर ही ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। और अब आगे की जर्नी में आपको दिखाऊंगा कौन कौन से स्टेशन कुरुक्षेत्र तक के लिए आने वाले हैं और किस टाइम ये कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और करते रहिए इस वर्चुअल टूर को।
दोस्तों ये ट्रेन नई दिल्ली से चलकर अपने पहले हॉल्ट जो कि सोनीपत है वहाँ पर पहुँच चुकी है, और सोनीपत से भी इसमें 2 मिनट का हॉल्ट है और उसके बाद यहाँ से भी ये डिपार्ट हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन कुरुक्षेत्र तक किन किन रेलवे स्टेशंस पर रुकेगी। पहले सोनीपत है, उसके बाद भूतावी माजरी, और उसके बाद पानीपत, करनाल, और जो हमारा डेस्टिनेशन है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर अपने ये एग्जैक्ट टाइम 8:41 पर पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है पानीपत के बाद, और एंजॉय कीजिए इस नज़ारे को। दोस्तों देख सकते हैं फिलहाल सनराइज कितना खूबसूरत लग रहा है, और साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो ट्रेन की स्पीड है मैक्सिमम वो 130 किलोमीटर के आसपास है, तो काफ़ी तेज रफ्तार से ट्रेन चल रही है, और जो सनराइज है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त करनाल, और करनाल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है कुरुक्षेत्रा, और ऑन टाइम पर यानी कि 8:41 पर ट्रेन पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों ये थी दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक की जर्नी शाने पंजाब द्वारा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।